फ्रेंड्स, ये सैमसंग का M42 5G मोबाइल है। और ये फ़ोन जब मेरे पास आया था तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि ये बराबर चलता था, चल रहा है, ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ रीस्टार्ट, ये फ़ोन रीस्टार्ट हो जाता, फिर बाद में कभी कभार अच्छे से चलता, कभी कभार वापस से रीस्टार्ट, कभी कभार सही से चलता, कभी से फिर से रीस्टार्ट। तो ये प्रॉब्लम इसमें आ रही थी। कस्टमर का था, ऊपर का डिस्प्ले था, वो भी क्या है कि ऊपर का ग्लास क्रैक हो गया था, तो ये भी अभी मैंने रिमूव कर रखा है। अभी आपको इसकी मैं कंडीशन बताऊं, इसको कैसे ओके किया है, सिंपल साधारण तरीके से आपको मैं बताने वाला हूं। ये देखिए, इसका अभी मैंने ग्लास भी रिमूव कर रखा है। इसमें सिंपल बिल्कुल आपको क्या करना पड़ता है, इसमें जो इस तरीके की इसमें फॉल्ट आती हैं, क्योंकि हर फ़ोन में अलग अलग फॉल्टें आती है, इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो इसका CPU है, CPU में क्या है कि कुछ बॉलें ऐसी रहती है कि जो अपनी जो हीटिंग रहती है, एक फ़ोन की फ़ोन का जो टेम्परेचर रहता है ना, उस टेम्परेचर से होता ये है कि कभी कभार तो वो वापस से बोर्ड से कनेक्ट हो जाती है, कभी कभार नहीं होती है, कभी वो मॉइस्चराइज़र से वापस से कनेक्ट हो जाती है, कभी छोड़ देती है। इसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम बहुत सारे फ़ोनों में आती है, क्योंकि कंपनी है जो इसमें डाल देती है ग्लू। और ये देखेंगे तो मैंने इसको रिवॉल्व करके रखा हुआ है और ये मैंने रेडी किया हुआ फ़ोन है, लेकिन आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। इसमें अगर ये फॉल्ट अगर आपके पास आती है, कभी रीस्टार्ट हो रहा है, ये सारी दिक्कतें इसके अंदर अगर आ रही है और आप खुद यूं ही परेशान हो रहे हैं, चार्जर सॉकेट बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। सीधा आपको इसमें CPU ही करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप इस CPU को करोगे, आपका काम है जो एक बार में हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि यार ये करते हैं तो ये अगर मेल्ट हो गया तो दोनों को करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं सबसे बेहतर चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए। इसके लिए सबसे बेहतर क्या चीज़ है, आपने देखा होगा, अपन पुराने टाइम में देखा जाए तो ज़्यादा करके ये वाली टैप यूज़ कर लोग बहुत सारे, मैंने हालांकि बहुत कम यूज़ किया इस टैप को, आज भी देखिए मेरा जैसा पैकिंग है वैसा ही पड़ा है। लेकिन इसको अब अपन साइड में रखते हैं, ये अब पुराना हो गया। अब है ये जो टैप है ना, इतनी बेहतर है कि इससे लाख गुनी अच्छी है, और इसका उपयोग करें आप सबसे बढ़िया। अगर हीटिंग के लिए आपको करना ही है तो इसका उपयोग करें। आपको आराम से यहाँ पे लगा देना है, जैसे आप यहाँ ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे दो लेयर में लगाना है, यहाँ पे टुकड़े करके दो लगा दीजिए, हल्का सा पीछे भी चिपका दीजिए ताकि ये बार बार ना निकले, थोड़ा सा लंबा लेना है इसको। इसको डबल करके लगा देना है, एक लगाना पहले और दूसरा ऊपर और लगा देना, ताकि ये हीटिंग ना हो, और इसकी कटिंग करके आराम से इसको निकाल के CPU को कर देंगे तो ये फ़ोन आराम से बन जाएगा, कोई इशू नहीं आएगी इसके अंदर। नहीं आपको इसका UFS निकालने की ज़रूरत पड़ेगी ना, कुछ भी नहीं, और एक बार में ये फ़ोन है जो आपका एकदम से रेडी हो जाएगा। अभी ये फ़ोन है जो एकदम रेडी है, और इसमें ऐसी कोई भी इशू नहीं है कि जो कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि अपन उसको रिपेयर करें। खाली मैंने इसका CPU रिबॉल किया है, रिपेयर किया है, और इसका काम हो गया है। अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको CPU को ही करना है, और ये जब CPU करते हैं तब आपको पहले इसका पिक्चर लेना है, फ़ोटो ज़रूर लेके रखना, क्योंकि कभी कभार क्या ये जो कंपोनेंट है वो अपने हाथ से मिस हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, कोई मान लीजिए, तो उस टाइम में वो चीज़ आपके बहुत काम आएगी, तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेहतर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।